छपरा में बीते दिन प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर पथराव मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 31 लोगों को गिरफ्तार किया है। सारण एसपी डॉक्टर गौरव मंगला ने बताया कि बीते दिन भगवान बाजार थाना अंतर्गत नई बाजार मोहल्ला में प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर हुए पथराव मामले में दोनों पक्षों से कुल 31 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें जेल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में और शांत है। किसी भी कीमत पर उपद्रवी और असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि नई बाजार से जब प्रतिमा विसर्जन जुलूस गुजर रहा था, तभी डीजे बजाने को लेकर मोहल्ले के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जुलूस पर पथराव किया जाने लगा। उस दौरान दूसरे पक्ष के तरफ से भी पत्थर फेंके गए थे, जिसका जिला प्रशासन के द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराया गया था। उसके आधार पर पुलिस ने दोनों पक्षों से 31 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर पथराव मामले में भगवान बाजार थानाध्यक्ष रंजीत कुमार के द्वारा एक साथ दो दो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें कुल 150 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें 31 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं 119 लोगों की गिरफ्तारी अभी भी बाकी है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस वीडियो में हम गिरफ्तार किए गए 31 अभियुक्तों को दिखला रहे हैं, जो कि जिला प्रशासन के द्वारा कोर्ट में प्रस्तुतिकरण के बाद रात्रि तक छपरा सदर अस्पताल में लाया गया, जहां उनका मेडिकल चेकअप और कोविड जांच के बाद उन्हें मंडल कारा भेजा गया है। हलचल इस खबर के माध्यम से आपको जिला प्रशासन द्वारा दर्ज की गई दोनों प्राथमिकियों के विषय में विस्तृत जानकारी देने जा रहा है। बता दें कि पुलिस द्वारा दर्ज की गई पहली प्राथमिकी में कांड संख्या 423/23 के तहत कुल 115 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें पत्थरबाज ग्रुप से 62 लोग नामजद किए गए हैं, जबकि जुलूस में शामिल 53 लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें पुलिस ने जहां 31 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, वहीं 84 लोगों को गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं दूसरी प्राथमिकी पूजा समिति और डीजे संचालकों के लिए भी सामत बनी है। बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा दर्ज की गई दूसरी प्राथमिकी में 11 पूजा समिति एवं 3 डीजे संचालकों को नामजद किया गया है, जिनके ऊपर अनुज्ञप्ति के नियमों का उल्लंघन करने और डीजे बजाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी में उस समय नई बाजार से गुजर रहे 11 पूजा समिति के संचालक एवं अध्यक्ष सहित 22 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। वहीं 3 डीजे संचालकों को भी अभियुक्त बनाया गया है। रिपोर्ट हलचल न्यूज 24 छपरा।